अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल के बेल मिलने पर INDIA गठबंधन के ही नेता संदीप दीक्षित ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को जिस आधार पर बेल मिली है उससे वो सहमत नहीं, सिर्फ चुनाव होने के आधार पर बेल मिलने से गलत संदेश जाएगा। तो कांग्रेस के ही नेता हैं जो सवाल उठा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को बेल मिला, इस बेल पर सवाल उठा रहे हैं। INDIA गठबंधन के ही नेता हैं संदीप दीक्षित, जिन्होंने सवाल उठाया है। शीला दीक्षित के बेटे हैं, उनका कहना है कि चुनाव के आधार पर बेल मिलना ये गलत है, जिस आधार पर बेल मिला है उस आधार से वो संतुष्ट नहीं है। तो हमेशा मानता हूं कि बेल किसी का भी अधिकार है, कोई भी केस हो उनके खिलाफ, खासकर अगर कोई क्रिमिनल उस टाइप का केस नहीं है। लेकिन ये जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी इससे मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूं। ये क्या मतलब है कि भाई आपकी बार चुनाव है? अरे मुझे लगता है उनका अधिकार है बेल मिलना, उनको बेल मिलनी चाहिए थी। पर अब मैं उम्मीद करूंगा कि अगर केजरीवाल को बेल मिली है तो हेमंत सोरेन को भी इमीडिएटली मिलनी चाहिए, और बल्कि जितने भी नेता लोग कहीं भी जेल में हैं सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि हर किसी की जरूरत होती है कैंपेन में। वो चाहे दो लोगों को प्रभावित करे या 2 लाख को करे या 2 करोड़ को करे, जेल फिर तो बेल मिलनी चाहिए। और अच्छी बात है कि वो बेल मिली है, लेकिन जो एक बड़ा सवाल है कि जो मेन केस में जो बेल की बात है उसको भी सुप्रीम कोर्ट को कंसिडर करना है। जिस कारण से मिली वो कारण मेरे ख्याल से गलत है, ये कि भाई किसी के व्यवसाय के कारण उसको मिले। तो जैसे आपने कहा, फिर किसान को क्यों नहीं, डॉक्टर को क्यों नहीं, न्यूज़मैन को क्यों नहीं, चपरासी को क्यों नहीं, गार्ड को क्यों नहीं, फौजी को क्यों नहीं, पुलिस वाले को क्यों नहीं? हर किसी का व्यवसाय महत्वपूर्ण होता है। और कोर्ट ने अगर ये बात ली है कि 5 साल में एक बार चुनाव आता है, तो 5 साल में कई चीजें एक बार आती हैं, तो ये इनका तर्क जो है बिल्कुल ही गलत है। कोर्ट ने क्यों ये तर्क लिया मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं इस तर्क से बिल्कुल ही इत्तफाक नहीं रखता हूं। बेल अपने में स्वागत योग्य है, क्योंकि बेल वैसे ही मिलनी चाहिए इस केस। इधर कौशाम्बी के मोहब्बतपुर पैसा थाना क्षेत्र के गांव में लव जिहाद का मामला सामने आया। महाराष्ट्र के मुंबई की एक युवती को मुस्लिम युवक ने प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक शोषण किया। बेटी पैदा होने के बाद अब आरोपी फरार है। युवक ने थाना पुलिस को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने प्रकरण में जांच शुरू कर दी है। आरोपी युवक आफाक 4 साल पहले मुंबई गया था, वहां उसने हिंदू लड़की से शादी की, शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के मुताबिक 3 महीने पहले आफाक उसे छोड़कर कौशाम्बी आ गया। पीड़िता ने केस दर्ज कराया है। 2019 में मुझे ये लड़का मुंबई से काम पे बुला था, हरदोई में बुला के वहां पे मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया, और उसके बाद ना यह मेरे बच्चा हरदोई में मेरे पेट में रुक गया था। फिर यह मेरे साथ मुंबई जाके 4 साल वहां पे लगातार मेरे साथ में रहने के बाद भी ये शादी के लिए माना करता है। तो अभी यह 2 महीना हुआ सर भाग के इधर आया गाँव में, और मुझे बोला कि मैं जाके आता हूँ, घूमने के लिए जा रहा हूँ। आने के बाद वो लड़की देखा शादी के लिए सगाई वगैरह लग गया, बाहर जाने का भी प्लानिंग वगैरह हो गया। तो सर मुझे और मेरे बच्चे को जब छोड़ के आज जब मुझे मालूम पड़ा तो मेरे बच्चे को हार्ट का प्रॉब्लम है। मैंने इसको इलाज वगैरह मैं अपने पैसे से करवाया। जब मैं उनको फोन किया, उनके घर पे बताया, तो घर वाले मुझे बहुत गाली गलौज करने लगा। तो फिर मैं मुंबई से बच्चे को लेके इधर आई। दर अमरोहा में 24 घंटे के अंदर 2 बच्चों की मौत से गांव वालों में दहशत है। मामला गांव कैथवाली का है। मृतक बच्चों के परिवार वालों ने तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या का आरोप लगाया। बीते 7 मई को गांव के 4 साल के माहिर का शव बंद मकान में मिला था। उसके गले और चेहरे पर चोट के निशान थे। गांव वालों ने हादसा मानते हुए शव को दफना दिया था, लेकिन अगले दिन 10 साल के चिराग का शव भी उसी मकान से मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चिराग की मौत गला दबाने से हुई, जिसके बाद माहिर का शव भी कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, जिसमें निर्देश दिया गया कि ग्राम पंडकी के माहिर पुत्र विपिन उम्र 3 साल की डेथ हो गई थी, और उसका कब्र से इनके पिता के एप्लीकेशन पे DM साहब ने आदेश किया कि इनकी कब्र से फिर से डेड बॉडी निकाली जाए और पोस्टमार्टम के लिए भेजवाया जाए। इसी के लिए आज यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए, डेड बॉडी निकाली गई है और पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही है। प्रयागराज से बड़ी खबर है, सीमांचल एक्सप्रेस से उतारे गए 93 नाबालिग बच्चे। 93 नाबालिग बच्चों को ले जा रहे 9 व्यक्तियों को भी उतारा गया। मानव तस्करी की सूचना पर RPF और GRP ने कार्रवाई की। इन लोगों के पास से बच्चों को ले जाने का कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं मिला, और ना ही इन बच्चों के साथ इनके माता पिता या परिवार का कोई और सदस्य था। पूछताछ में पता चला कि राजस्थान और उत्तराखंड ले जाए जा रहे थे ये बच्चे। सभी बच्चों को प्रयागराज जंक्शन पर उतारा गया।
एजेंट्स के 6 ग्रुप के साथ ये बच्चे ट्रेन से जा रहे थे। रेलवे सुरक्षा बल की ओर से ऑपरेशन आहट के तहत इन बच्चों की सुराग लगी थी और इन बच्चों को सकुशल चुंगल से छुड़ा लिया गया। बच्चों को बाल कल्याण समिति प्रयागराज के समक्ष पेश किया गया, जहां इन्हें देखरेख और काउंसलिंग की जा रही है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा काफी दिनों से सूचना इकट्ठा की जा रही थी। एटा जिले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने एक गाड़ी चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के 8 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से चोरी की 11 बाइक, 1 अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए। पकड़े गए युवक सस्ते दामों पर चोरी की गाड़ियां बेचा करते थे। अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए ये चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आज थाना कोतवाली देहात और एंटी थेफ्ट व्हीकल टीम द्वारा जो है एक संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें कुल 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से कुल 11 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है और तमंचा भी बरामद हुआ है इनके कब्जे से। और इनके एक सातिर गैंग है जो आसपास के जनपदों में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएँ कर रहा था। इसमें राजा नाम का बहुत सातिर अभियुक्त है, जिसके ऊपर कुल अब तक 9 मुकदमे कायम होने की सूचना पुलिस को मिल चुकी है। दर अमरोहा में बिजली विभाग के सस्पेंड जेई ने जहर खा लिया। हालात बिगड़ने पर परिवार वाले अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामला पुष्कर नगर कॉलोनी का है। किराए के मकान में जेई परिवार के साथ रहते थे। बताया जा रहा है कि सस्पेंड होने के बाद परेशान चल रहे थे और इसी बीच ये कदम उठाया। बस 2 बजे फोन जाता है कि आपके भाई ने कुछ खा लिया रात के 2 बजे। 2 बजे आने के बाद साधन नहीं मिला तो हम सुबह तक पहुंचे। तो यहाँ जब हम आए तो आने के बाद हमने देखा कि यहाँ पूरा स्टाफ बिजली विभाग का खड़ा था, पूरा स्टाफ खड़ा था। तो उनसे बातचीत हुई तो ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही। पूरा स्टाफ ये कहता है कि वो दारू नहीं पीते, बिल्कुल भी वो दारू पीते नहीं थे। हमें भी पता है, जय साहब भी बोल रहे हैं। तो कुछ जहरीला पदार्थ खाया उन्होंने? हाँ, यही बता रहे हैं कि जहरीला पदार्थ खाया। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।